कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर पर्चा फेंक कर लोगों से रंगदारी मांगने और ट्रैक्टरों को फूंकने के इल्जाम में हजारीबाग पुलिस ने 5 संदेही गुनहगारों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम गौतम कुमार उर्फ सिद्धार्थ, अरुण कुमार उर्फ योगेंद्र कुमार, अशोक कुमार, सुनील कुमार और कुलदीप कुमार महतो बताए गए। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3.15 बोर के 4 पीस जिंदा गोलियां, रंगदारी का 10 पीस पर्चा, 7 पीस मोबाइल और एक बाइक समेत अन्य सामान जब्त किए गए। गौतम कुमार दाग की किस्म का युवक है। उसके खिलाफ कटकमदाग थाना में हत्या का मामला भी दर्ज है। इस बात का खुलासा आज हजारीबाग के पुलिस कप्तान अरविंद कुमार सिंह ने किया। एसपी ने मीडिया को बताया कि बीते 13 मई की रात सार गांव में 3 ट्रैक्टर को फूंक दिया गया था। वहीं 16 की रात कांड तरी में 3 और 23 मई की रात हरली में गांव में 4 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया था। अपराधियों ने 15 लाख रुपए बतौर रंगदारी की मांग की थी। बड़गा गाँव SDPO कुलदीप कुमार की देखरेख में SIT गठित की गई। गठित SIT ने कार्रवाई करते हुए 5 संदेही गुनहगारों को दबोच लिया। गिरफ्तार लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सुने क्या बोले SP अरविंद कुमार सिंह। 13 और 14 तारीख की रात्रि में बड़का गांव क्षेत्र में आप लोगों को याद होगा कि कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा 3 ट्रैक्टर को साढ़ में जला दिया गया। उसके बाद हम लोग एक FIR लॉन्च किया था। ये दूसरी बार घटना होती है 16 और 17 की मध्य रात्रि में कानतरी में भी 3 ट्रैक्टर को जलाया जाता है। फिर हम लोग FIR लॉन्च करते हैं। उसके बाद एक SIT टीम की गठन की जाती है जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव और थाना प्रभारी बड़का गांव और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 23 और 24 की मध्य रात्रि में 4 ट्रैक्टर को रंगदारी के लिए जलाया जाता है हरली में। पुलिस के द्वारा कुछ पीछा भी किया जाता है। वो अपराधियों को भागने के क्रम में अपना बाइक और झोला वगैरह छोड़ के भाग जाते हैं, जंगल में घुस जाते हैं, जंगल का फायदा उठा के वहां से भाग जाते हैं। फिर SIT टीम के द्वारा परत दर परत ये केस खुलते गया और हम लोग 5 आदमी को गिरफ्तार किए हैं। इसमें से एक जो है मेन गौतम कुमार उर्फ सिद्धार्थ, ये पूर्व में कटकम सांडी थाना 59/21 में जेल गया था। बाल सुधार गृह से ये भागा हुआ अपराधी है। वजह था रंगदारी लेना। 2 आदमी कारित करते थे, घटना को कारित करते थे, 3 आदमी पीछे से सपोर्ट करते थे। जो पर्चा बरामद किया गया उस पे अमन साहू का नाम लिखा गया था, ये बिल्कुल पुलिस को भटकाने के लिए और वहाँ के जनता को भटकाने के लिए ये दिए। कोहराम लाइव के लिए हजारीबाग से ब्यूरो चीफ सुनील साहू की रिपोर्ट।